सुन रहे, बॉलीवुड स्पाई वाले डल्ले माधरचोद दीपिका का पक्ष लेता है, कभी मेगा मेगा भुगता है रे बहन चोद। जो टास्क मतलब जो करता है उसको तो दिखा कम से कम सही। दीपक इतना हर काम को अच्छा से करता है, हर टास्क को एग्रेसिव वे में लेता है, अच्छे वे में लेता है और अच्छे से करता है। जो हैप्पी क्लब है वो दीपक के कारण ही चल रहा है और दीपक के बदौलत ही वहाँ तक हैप्पी क्लब पहुँचा है। रोमिल दिमाग लगाता है लेकिन उसमें अंदर से जो दिमाग रहता है वो दीपक का रहता है। ये नहीं कि दीपक को तू भीलन बता दो, भीलन बना दो। देखता है दीपक कैसे हर टास्क को करता है। रोमिल को भी बनाया वहाँ पे कैप्टन, पूरा घर उसके अगेंस्ट था लेकिन तब भी वो क्या काम किया, अपने बदौलत सोमी और दीपक दोनों मिलके रोमिल को बना दिया कैप्टन। उससे बड़ा और क्या होता है, सबसे बड़ा होता है जो बनाने वाला होता है, ये नहीं कि बनने वाला। और वो भी गेम खेलता है भाई, तगड़े तरीके से दीपक जो है गेम खेलता है। तेरे जैसे साले पैसे लेके सबको चुतियापा करता है तू, पैसे लेके कितने को पैसे लिया है, कितने से? दीपिका के हस्बैंड से पैसा लिया है तो, श्रीशांत के घर वालों से पैसा लिया है या मेघा के घर वालों से लिया है तो पैसा? उसके रिव्यू देता है तो बॉलीवुड स्पाई में। और ये लोग कॉमनर है, पैसा नहीं दे सकते, गरीबी से लड़के आए हैं, बाढ़ पीड़ित है दीपक, तो इसलिए इसका नाम तुम खराब करता है और खराब नाम लेता है, रिव्यू देता है। तुम इतना गंदा मतलब रिव्यू देता है किसी के बारे में? अरे मतलब सराहनीय होता है जो बाढ़ पीड़ित, जहाँ पे पढ़ने लिखने का साधन तक सही नहीं है, हर साल उसके घर डूब जाता है दीपक का, और वहाँ के बच्चे उतना ऊपर उठ के चला गया, वो सबसे बड़ी बात होती है, और तुम उसको गलत ठहराते हो? कम से कम ईमान तो रखो यार। यही तो पैसा पे बिक जाती है आजकल, जितने भी रिव्यू करने वाले हैं, मीडिया हैं, वो सब पे क्या भरोसा किया जाए? ये सब मतलब ऐसे लोग हैं जो पैसा पे अब कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो फर्जी फैन फॉलोअर्स भी है वो भी फर्जी में आता है, पैसा पे बिकता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट आईडी से होता है। ये नहीं कि लोग मतलब उसको समझ ही रहे हैं और मान ही रहे हैं, फर्जी में बहुत बहुत काम होता है, पैसा पे बहुत काम होता है। मेन व्यू जो होता है वो देखा जाता है कि बंदे गेम कौन अच्छा खेल रहा है अंदर, और गेम के आधार पे जज करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब रिव्यू दर्शक क्या करता है, कितने मूर्ख दर्शक ऐसे हैं, कितने मूर्ख दर्शक ऐसे हैं कि उसे पता भी नहीं है बिग बॉस कौन सा गेम है, किस आधार पर चल रही है। अरे गेम के आधार पर देखो यार, ये नहीं कि मतलब यहाँ सास बहू और ये सब नहीं चल रहा है, जो तुम सास बहू और घंटा घंट करा रहे हो यहाँ पे, या शिवनन नहीं चल रहा है जो रोल लेने से ही सब कुछ होता है। दीपिका सही से कोई भी टास्क करती है, या फिर ये श्रीशांत तो वो भी टास्क करता है फिर छोड़ के भाग जाता है, वो माँ की ना की सबको करते रहता है, तो वो ठीक है। और मतलब थोड़ा सा बात के लिए सृष्टि और ये क्या बोल दिया रोमिल, उस पर तो तुम पूरा एकदम बरस गई। और तुम्हारा भाई जो बोलता है, दीपिका का भाई जो है वो बोलता है, कुछ गाली देता है सबको, तो उस पर तो कभी नहीं बोली, उसको तो कभी नहीं बरसी उस पर। तो ये डबल चेहरा जो है वो किसको दिखाती है? जनता को बेवकूफ़ समझती है। पैसा पे मैनेज कर लेगी वो बात अलग है, लेकिन जनता सब देखती है और देखती रहेगी। इसलिए मतलब ये बिकाऊ जो है बॉलीवुड स्पाई जो रिव्यू करता है भोसड़ी के, हरदम चूतिया बनाता है और किसी को गलत ठहराता है, गरीबी के कारण मतलब किसी को मतलब लाइक नहीं करता, वो गलत बात है। जो सच्चाई है फैक्ट को रखो और किसके अंदर क्या काबिलियत है उसको दिखाओ। ये नहीं कि साला तुम मतलब किसी का मनोबल डाउन करवाओ, ये करो, जनता के बीच में गलत फैलाओ। जो ये गेम ही है बिग बॉस में, कोई किसी का सगा नहीं है, सब गेम खेलता है, अपने अनुसार गेम खेलता है और गेम खेलता रहेगा। ये नहीं कि मतलब किसी का भी तुम पॉइंट आउट करो, ये करो वो करो। हाँ गलत जो कर रहा है उसका पॉइंट आउट करो, लेकिन जो गलत नहीं कर रहा है उसका पॉइंट आउट करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, ठीक है?